यहाँ पे एक्चुअली दो रास्ते हैं आगे, तो इसके लिए यहाँ पे मार्किंग की गई है। तो आपको एक पहले एवलांच दिखाया था, वो छोटा वाला था, ये देखिए एक बड़ा एवलांच जिसने ऊपर की सारे पेड़ और तोड़ डाले हैं और रास्ता भी ख़त्म कर दिया है। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटा सा टूर हम जहां कलगा में रुके थे, साथ में मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि यहां पर क्या क्या फैसिलिटी है विद कॉस्ट। हम जहां रुके थे उस होम स्टे का नाम है गुरुज कैफे। यहां पर आपको दो टाइप के रूम मिल जाएंगे, एक जिसमें आपको लकड़ियां जलने को चूल्हा विद चिमनी मिलेगा और दूसरा जिसमें नहीं मिलेगा। आप अपनी सुविधा और मौसम के हिसाब से जैसा आपको सही लगे ले सकते हैं। रूम का किराया 300 पर रूम जिसमें आपको चूल्हा नहीं मिलेगा और 400 पर रूम जिसमें आपको चूल्हा भी मिलेगा। 300 वाले रूम में दो लोगों की जगह होती है जबकि 400 वाला रूम थोड़ा बड़ा होता है। कलगा में कोई भी रूम आपको 300 से 600 पर रूम पर डे में आ जाएगा, पर गुरुज कैफे की और भी खासियत है जिसकी वजह से हम वहां रुके। कैफे का खाना बहुत स्वादिष्ट और सस्ता है, कई लोग तो सिर्फ यहाँ खाना खाने को भी आते हैं। इनके पास जितनी वैरायटी है ब्रेकफास्ट और डिनर में ये कहीं और नहीं मिलती। सर्दियों में बैटरी बहुत तेजी से डिस्चार्ज होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी जाती रहती है पहाड़ पे जब ज्यादा बर्फ गिर जाए तो। गुरुज कैफे में आपको जनरेटर की सुविधा है जिससे कि आपको लैपटॉप मोबाइल कैमरा चार्ज करने में मदद मिलेगी। कैफे होम स्टे 300 पर नाइट रूम एंड दिस ओवन रूम पर 6 नाइट पर 100। कलगा में आप किसी स्कैम में ना आए इसके लिए आप पेमेंट करने से पहले एक बार रुकने खाने और जनरेटर की सुविधा देख ले। कई बार लोग आपको बोलेंगे कि उनके यहाँ से अच्छी सुविधा कहीं नहीं है, तुरंत भरोसा न करें।
खुद एक बार तलाश करें। कुछ अच्छे होमस्टे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, एक बार देख ले और अपनी रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना न भूले। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।